आजकल आपका लवर बहाने कितने दे रहे हैं? हाँ, प्रॉब्लम थी कि मैं मतलब एक लड़की के साथ काफी टाइम से फ्रेंड, मतलब उसको ये पता है कि हाँ मैं उसको लाइक करता हूँ, और कहीं ना कहीं उसकी बातों से भी ये लगता है कि हाँ वो मेरे को लाइक करती है। बट तो ये वो सीन है कि वो बोलती है कि पापा, मतलब उसके थोड़े पापा स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, तो अच्छा हाँ वो पूरा ब्लेम ले जाके पापा पे डाल ओके देती। सर, आपका नाम किस नाम से बुलाओ अभी लाइफ में, मैं आपको असली नाम मत बताना, नकली। सब मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, जी ये सेम चीज हम अपनी क्लास में भी सिखाते हैं सबसे पहले दिन नहीं। और वो जी सीन ये कि जब भी कोई इंसान आपको कहे जी मुझे सर एग्जाम पे ध्यान देना है, मेरे हाँ पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, हमारा जी फ्यूचर नहीं हो सकता, ठीक है, उसका सीधा मतलब यही है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ बहाना मार रहा है, और सर सिर्फ बहाना मतलब मार रहा है, उसे आप में हाँ इंटरेस्ट नहीं है, आपका सिर्फ काट रहा है। और ये प्रूफ, इसका लिविंग प्रूफ, दारू, ड्रग्स, मीठा, तला हुआ खाना, तो कुछ भी ले ले, तो कुछ भी वो सामान ले ले जो इंसान को बर्बाद करता है, कुछ भी, ठीक है। पर जब मतलब मैं उससे मिलने का बोलता हूँ तो बाकायदा वो मिलने भी आती है, और हफ्ते में 2 बार तो मिल ही लेते हैं, अभी लॉकडाउन के चक्कर में नहीं मिल पा रहे तो हैं। आपको फ्रेंड जोन कर रही है ना वो, हाँ सर इसे ही फ्रेंड जोन कहते हैं, इसे भाईचारा कहते हैं सर। ओके अब सर राखी आने वाली है, क्या गिफ्ट दे रहे हो, क्या गिफ्ट दे रहे बिल्कुल हो? नहीं देना ना गिफ्ट, नहीं देना ना, नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं सर देना। तो आप इसी लड़की से मिलोगे, इससे जी कैजुअल बात करोगे, इससे भाई की तरह ही बात करोगे, और ओके इसके सर सिवा 3 लड़कियां से और घुमाओगे, और घूमने जाओगे, जी घुमाओगे भी सर नहीं, घूमने जाओगे, ठीक है। अगर इसकी फीलिंग्स होगी जी तो तेरे को तीनों से बात करने से या तीनों के साथ घूमने से रोकेगी, ठीक है? ये तो सर ये मतलब ये चीजें तो हो रही हैं, मतलब जैसे मैं वो मेरी कॉलेज ही फ्रेंड है, तो अगर मैं कहीं निकल जाता हूँ कॉलेज के दोस्तों के साथ तो बोलती तू वहां क्यों गया था, मेरे से पूछना चाहिए था नहीं, सर। क्यों पूछू, तू गर्लफ्रेंड थोड़ी है, तूने बनने के वही लिए मना करा, मुंह तो पर फिर तूने। इसके बाद वो एक चीज ये लेके आती कि यार पापा स्ट्रिक्ट हैं ये वो। पापा हेलो, जब दारू पीनी होती, आधी रात को पार्टी करनी होती, अभी लड़के के साथ घूमना होता, तब पापा नहीं आते याद? हाँ हाँ भाई, ड्रामे ना, मतलब वो स्टोरी किसी और को कंफ्यूज करने, सुनाना, हाँ कंफ्यूज करने से की हुई है जानबूझ के। बस कोई बात नहीं, तू जा अपना, ठीक है, और अभी पहले कॉलेज खुलने दे, तभी वाला कार्ड ज्यादा अच्छी तरह खेला जाएगा। लव यू हाँ ब्रो। सर अगर प्यार में ज्यादा बहाने मिल रहे हैं तो चल बात करते हैं, आओ।